नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में मंदिर पर हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात वाली रात दिल्ली सरकार के मंत्री और इलाके के विधायक इमरान हुसैन मौजूद थे, जो भीड़ को चलो चलो बोल रहे थे। इमरान हुसैन दिल्ली सरकार में खाद्य मंत्री हैं। इमरान हुसैन का कहना है कि वो घटना के बाद थाने पहुंचे थे ताकि दोनों समुदायों में सुलह हो सके। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा खुलासा, दिल्ली में जो मंदिर में तोड़फोड़ हुई चांदनी चौक इलाके में, उससे जुड़ा ये खुलासा है। वारदात वाली रात दिल्ली सरकार के मंत्री और इलाके के विधायक इमरान हुसैन वहां मौजूद थे, जो भीड़ को चलो चलो बोल रहे हैं। ऐसा एक नया वीडियो जो आया है उसमें दिखाई और सुनाई दे रहा है। इमरान हुसैन दिल्ली सरकार में खाद्य मंत्री हैं। इमरान हुसैन का कहना है कि वो घटना के बाद थाने पहुंचे थे ताकि दोनों समुदायों में सुलह हो सके। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक आपसी बहस ने सांप्रदायिक रंग लिया और मंदिर में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद एक नया वीडियो सामने आया है, एक नया डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें केजरीवाल सरकार के एक मंत्री भी एक नए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं चलो चलो। तो रविवार को मंदिर पर हमला हुआ और एक नए वीडियो में केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन अब दिखाई दे रहे हैं। इमरान हुसैन का हालांकि कहना है कि वो घटना के बाद थाने पहुंचे थे ताकि दोनों कम्युनिटीज के बीच सुलह करा पाए। तो रविवार रात की एक घटना जहां दो पक्षों में जो आपसी झड़प थी उसने सांप्रदायिक रंग उस वक्त ले लिया जब मंदिर पर हमला किया, लोगों ने मूर्तियां तोड़ी गई, मूर्तियों को क्षति पहुंचाई गई। और अब एक नया वीडियो जो सामने आया है उसमें केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन भी वारदात के वक्त वहां, घटना के वक्त वहां मौजूद थे, ये दिख रहा है। सब लोग मिलकर बैठे थे, हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी, हम थाने में भी बैठे थे, उसके बाद में मैं भी था वहाँ पे और हम सब लोगों ने वहाँ गले मिले। और क्योंकि ना यहाँ का हिंदू चाहता कि दंगा हो, ना मुसलमान चाहता कि आपस में हम, क्योंकि हम लोग सैकड़ों साल से हमारी ये सांझी विरासत है, हम लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं। एक गंगी जमनी तहजीब का मुजाहरा कल दोनों समाज के लोगों ने किया, मैं दोनों समाज के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद हम लोग थाने से निकले, हमने यहाँ पे सारे उसी वक्त हम लोगों ने यहाँ मैसेज दिया कि सब लोग अपनी दुकान खोलिए। जो लोग मौजूद थे उन्होंने जब भी दुकानें खोली, सब लोग मिलकर। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, जो ये नया वीडियो आया है इसमें इमरान हुसैन नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं चलो चलो, हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि वो थाने पहुंचे थे ताकि दोनों समुदायों के बीच सुलह कराई जा सके। क्या आप डिटेल में और बता सकते हैं कि इस पूरा जो एक घटनाक्रम था उसमें इमरान हुसैन की दरअसल क्या भूमिका थी? देखिए, दरअसल करीब 8:30 और 9 बजे के बीच में संजीव गुप्ता और मोहम्मद असद के बीच में विवाद शुरू हुआ था पार्किंग को लेकर। उसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और उसके बाद मोहम्मद असद जो है वो चले गया, अपने बाकी साथियों को लेकर आया। उसके बाद उन्होंने, जो संजीव गुप्ता है, उनके परिवार के ऊपर घर पे हमला किया, कुछ पत्थर भी फेंके थे, बॉटलें भी फेंकी थी। उसके बाद उन्होंने, परिवार ने अपने आप को छत पे छुपा लिया और घर वालों के साथ मारा पीटी हुई थी। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस जब आई तो किसी तरह संजीव गुप्ता को अपने साथ लेके गई थी क्योंकि संजीव गुप्ता ने भी हाथापाई की थी। तो उन दोनों को उठा के संजीव जिप्सी में लेके, तो लोग जिप्सी के पीछे भी दौड़ रहे थे, एक वीडियो वो भी आया है। उसके बाद काफी संख्या में जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो थाने के बाहर जमा हुए थे, नारेबाजी की थी। और उसी दौरान यहाँ पर जो वहाँ के विधायक है इमरान हुसैन, वो वहाँ मौजूद थे और काफी करीब सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठा थे और कभी 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर नारेबाजी होती रही। उसके बाद जब करीब 12 बजे के करीब वहाँ से जब ये लोग चले गए हैं, तो फिर मंदिर पे, जो थाने से महज 300 मीटर की दूरी पे ही गली में एक दुर्गा मंदिर है, उसके ऊपर पत्थरों से हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, मूर्तियों को खंडित किया गया। और उसके बाद पुलिस को लगातार फोन किया गया, पुलिस काफी देर में आई, यानी ये पूरा घटनाक्रम करीब 3-4 घंटे तक चलता रहा। माहौल जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि जब ये मूर्ति को तोड़ा गया, खंडित किया गया, उससे 1 घंटे पहले अगर वहां के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री वहां पे मौजूद थे, तो भीड़ को काबू करने की दो...
लगता है प्रमोद से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन रविवार को जो ये घटना हुई, घटना की जगह केजरीवाल के मंत्री का दिखाई देना इस पूरे घटनाक्रम को एक नई तस्वीर दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इमरान हुसैन थाने के बाहर हैं और लोगों से कह रहे हैं चलो चलो, उसके करीब एक से सवा घंटे बाद वहीं से 300 मीटर की दूरी पे जो दुर्गा मंदिर है वहां पर हमला किया जाता है और शीशे तोड़े जाते हैं, मूर्तियों को खंडित किया जाता है और काफ़ी स्थिति जो है तनावपूर्ण हो जाती है, पत्थरबाजी होती है। ये सारी चीज़ें CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस जब आती है पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करती है, उसके बाद तक ये चीजें सामने नहीं आती। जब 48 घंटे के बाद जो है लोग सामने आते हैं, इसमें राजनीति होने लगती है और ये वीडियो आता है कि जब घटना हुई है उससे एक घंटे पहले वहां के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता क्यों नहीं कराया, मामले को वहीं पे ठंडा क्यों नहीं किया गया और ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक घंटे बाद भीड़ जो है उग्र होकर और हमला कर देती है मंदिर के ऊपर, शीशे तोड़े जाते हैं, मूर्तियों को खंडित किया जाता है। दो पक्षों में झगड़ा पार्किंग को लेके होता है, लेकिन उसके रोड के सामने ही जो दूसरा मंदिर है उसके ऊपर हमला किया जाता है। हालांकि पुलिस ने 3 FIR दर्ज करके कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक नाबालिग को भी उसमें अप्रीहेंड किया है। लेकिन अब ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है कि आप अपनी सफाई में ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई है और वो समझौता कराने के लिए गए थे और कोई भी वहां दंगे नहीं चाहता, तो ऐसा क्या हुआ कि आप वहां मौजूद है, भीड़ को आपने समझाया नहीं और उसके एक से सवा घंटे के बाद जो है भीड़ जो है हमला कर देती है, एक मंदिर के शीशे तोड़ देती है। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि वहां के जो विधायक हैं वो वहां पे मौजूद थे, उससे पहले उन्होंने नहीं बताया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वो बार बार आए हैं, हर रोज आए हैं और हिंदू और मुस्लिमों में समझौता कराने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये घटना होने से पहले अगर विधायक वहां पे मौजूद है, मंत्री वहां मौजूद है, तो उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता क्यों नहीं कराया, मामले में इतना ज़्यादा तूल क्यों दिया गया कि इतनी नौबत आ गई कि मंदिर के ऊपर पत्थरों से हमला किया जाता है। तो ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब इमरान हुसैन को देना होगा। हालांकि अपनी सफाई में भले ही कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान दोनों का समझौता कराने गए थे, पुलिस भी ये कह रही है उनको बुलाया था और ताकि मामले को शांत किया जा सके, जो बड़े बुजुर्ग हैं वहां के हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के और उनके बीच में जाके लोगों को दोनों पक्षों को समझाया जा सके, तो उनकी अपनी दलील है। लेकिन हमला होने से एक घंटे पहले थाने के बाहर मौजूद होना और लोगों को ये कहना चलो चलो, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।